आज हम बनाएंगे एक जादुई पराठा मसाला। इस मसाले से आप हर तरह के पराठे का स्वाद काफी बढ़ा सकते हैं। इसे आप ड्राई सब्जी और किसी भी स्टफ सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, उससे आपकी सब्जी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा। पराठा मसाला या पराठा प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून जीरा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ये फ्लैक्स सीड यानी अलसी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ये अनारदाना लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ये अजवाइन ली है। अजवाइन डाइजेशन के लिए आप सबको पता है कि काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये 1 चम्मच अजवाइन भी ली है। और कुछ मैंने ये मिर्चें ली है, ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, इनको डालने से मसाले का रंग अच्छा आएगा। और कुछ मैंने ये नॉर्मल मिर्च ली है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ये तीखी है, ये मैंने 4 ली है और 4 ही मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ये मिर्च डाल देंगे, इसके साथ ही इसमें हम ये साबुत धनिया और ये जीरा भी डाल देंगे। अब इन्हें हम कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें गैस को लो ही रखना है, ना तो हमें मीडियम करनी है और ना ही हमें हाई फ्लेम करनी है। इस मसाले को 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं ये अनारदाना डालूंगी। अनारदाना डालने के बाद हम इसे सिर्फ 15-20 सेकेंड तक इस मसाले में ऐसे चलाएंगे। उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। हमारा मसाला ये तैयार हो चुका है। अब गैस बंद करने के बाद इसमें मैं डालूंगी फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी और ये अजवाइन। अब इस मसाले में ही हम इसे कुछ देर तक चलाएंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे कढ़ाई में नहीं रहने देना, नहीं तो हमारा मसाला ओवर रोस्ट हो जाएगा। अब रोस्ट किया हुआ मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं पीस लूँगी। इसका मैं एक दरदरा सा पाउडर बनाऊँगी, मैं इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी। मसाले को मैंने इतना दरदरा किया है, अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच इसमें मैं अमचूर डालूँगी यानी मैंगो पाउडर। मैंने इसमें अनारदाना डाला है, अनारदाना खट्टा होता है, इसलिए इसमें मैं मैंगो पाउडर भी 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ। अब इसे मैं एक बार दोबारा से फिर पीस लूँ। हमारा एक बहुत ही अच्छा और खुशबू वाला पराठा मसाला बनकर तैयार है। ये हमारा महीने तक भी खराब नहीं होता है। अब इसे मैं एक एयर टाइट कांच के सूखे कंटेनर में डालकर रख लूँगी।